नमस्कार साथियों, आज जो हमारा सीटेट लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ है, आज वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम साइंस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। साइंस में 61 से स्टार्ट है दोस्तों। 61 में आएगा हमारा, 61 में आएगा सेकंड आंसर। 61 में आएगा हमारा सेकंड। 62 में आएगा हमारा दोस्तों, 62 क्वेश्चन है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर आएगा हमारा दोस्तों 4 आंसर। 63 की ओर चलते हैं हम। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर होगा, शिक्षार्थियों में विज्ञान सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। 64 आएगा दोस्तों। 64 है, एक शिक्षक के नाते में निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा में के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? इसका आंसर सही आंसर होगा 2। 65 NCA 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य क्यों होती है? इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका सही आंसर है, विज्ञान बालकों को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रक्रियाओं को सीखने लायक है। तो 66 में आएगा दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? इसका आंसर होगा 66 का 3, खुला मस्तिष्क। 67 चलते हैं दोस्तों। 67 में 66 हो गया, 67 हो गया, 67 में सही आंसर होगा हमारा 4, गतिविधि आधारित शिक्षण। 68 में हमारा आंसर होगा, 68 का सही आंसर है 3, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। 69 का सही आंसर होगा दोस्तों 1, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। 70 का आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा हमारा होगा निष्कर्ष निकालना। 71 का सही आंसर है दोस्तों 1, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना। 72 का होगा, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है एना कोंडा। 73 का आंसर होगा, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉपर सल्फेट। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3, एल्कोहल। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, और इस वाला जो 77 उसका आंसर होगा हमारा सही प्रोटीन। 78 है इसका, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? इसका सही आंसर होगा हमारा 1। आप अपने पेपर से दोस्तों मैच कर सकते हैं कितना आपका स्कोर बन रहा है, हमें जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपका। 79 का सही आंसर होगा सोडियम। 80 का आंसर होगा प्रतिअम्ल। 81 का होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 82 का सही आंसर दोस्तों पेशियबल। 83 का सही आंसर दोस्तों इंसुलिन। 84 का सही आंसर है दोस्तों बिटुमिन। 85 का सही आंसर है दोस्तों डेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है विलुप्त प्रजातियों का। इसका दोस्तों नहीं, संकट ये वाला आएगा, 73 आएगा दोस्तों इसका। 86 का होगा, जूते के सोलह मतलब क्यों पाए जाते हैं? जड़त्व तो बढ़ाने के लिए। 87 का सही आंसर होगा दोस्तों 3। 88 का सही आंसर होगा 3। 89 का होगा, निम्नलिखित स्थान के चक्रवात में से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? इसका सही आंसर है पूरी। 90 का सही आंसर है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। ये हमारा हो गया दोस्तों साइंस का पार्ट। अब हम देखेंगे सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब देखिए 31 सवाल है इसका। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? इसका सही आंसर होगा सन। 33 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विधानसभा के सदस्य। 74, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? इसका आंसर होगा संसदीय और संघीय। 35, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा हमारे दोस्तों 4, 84। 36 का होगा, बाद में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? इसका आंसर सही होगा समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका होगा संपत्ति का आधार। 38, अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? इसका आंसर होगा ए। अब देखते हैं 39, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? ये हमें पता ही है, राज्यपाल नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री कौन करता है? राष्ट्रपति। 40 देखते हैं, 40 का होगा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? राज्यपाल कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है 41 में? इसका होगा मंत्रियों की परिषद, इसमें होगा 3 आंसर। 42 का होगा दोस्तों, निम्नलिखित से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? वो किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन, राष्ट्रपति। 43 का होगा, निम्नलिखित से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का राज्यपाल को। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, तो ये कौन सा है, कौन सी है दोस्तों? हमारी 16वीं। 45, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसको किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों? वो है राजनीतिक दलों के नाम। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अब 48 सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 48, अब 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। 50, भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 51, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने की निर्णायक भूमिका निभाई थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सभी रियासतों को एक करके हमारा देश भारत बनाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं इसको, फादर जिसके नाम पे बनाई गई है भी दोस्तों गुजरात में। 52 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 54, अब देखना, 18वीं सदी के में किसने नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? इसका सही आंसर होगा मुर्शद कुली खान। निम्नलिखित से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? इसका आएगा लॉर्ड कर्नी। 56, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित तो ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाडा दोषी। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? इसका सही आंसर होगा नाना साहेब। 58, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपाय विधि थी औद्योगिक कारखाने की? 59, एडुसेट से क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 3। 60 का, पंचवाणी और बीजक ने किसने ये लिखी है दोस्तों? पंचवाणी और बीजक किसकी है? हमारे कबीरदास की। एलोरा गुफा के भित्ति चित्र जिसमें विष्णु के नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया, इसमें सही आंसर होगा इसका राष्ट्रकुल। 62, निम्नलिखित से कौन का संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज। वात दिग्विदर्शी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? 63 का सही आंसर होगा
वायु दिशा। सिक्सटी फोर, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा वायुमंडल। 65, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से भारीतम परत तक पहचानिए। इसका सही आंसर हमारे दोस्तों क्या होगा 65 का 3। 64, दिए गए आरेख में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की स्थिति ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर यह क्या दर्शाता है। इसका आंसर सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रग्रहण। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाता है। इसका सही आंसर होगा विषर। 68 का सही आंसर होगा वायु मार्ग। 69, भूगोल की व्यवस्था का जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित कहलाती है। इसका सही आंसर होगा जनसंख्या की। अब 70 का सही आंसर होगा दोस्तों 1। 71, निम्नलिखित से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है? पिसिकल्चर। स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। निम्नलिखित से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? दोस्तों इसका सही आंसर है यूरोप। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? इसका सही आंसर है 1। इसका सही आंसर होगा हमारे दोस्तों 76 वाले का 3। दोस्तों अब हमारा चैनल लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, बाकी जो सब्जेक्ट है उसका हम वीडियो नेक्स्ट में हम बनाएंगे। आप तब तक का आप देखते रहिए, आप आंसर बताइए कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।